वो भी बता दीजिए। फ्रेंड्स, एक ही मैसेज देना चाहूंगी, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, आपने को एज अ स्टूडेंट यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ आपकी पढ़ाई है, जब से आप इस सिस्टम को समझते हो तब से लेकर 7 साल तक की पढ़ाई, क्या क्लास 1 में जो पढ़ाई होती है क्या क्लास 2 में भी वही होती है? कोर्स चेंज होता रहता है, ये सुनो, एबीसीडी के बाद एप्पल, एप्पल के बाद पूरा सेंटेंस कितना सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ आरसीएम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी भी क्लासें बदलेंगी, आपके पास भी चैलेंजेस रूप बदल बदल के आएंगे, आज छोटा चैलेंज है कल बड़ा होगा, परसों और उससे बड़ा होगा, आप और ताकतवर होते जाएंगे, इसीलिए अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखें, जब जब एक बच्चे कर सकती है, बोलते हैं कि उम्र बचपन की हो या 55 की, आरसीएम हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हमेशा देखा करती थी जब एक लड़की की शादी का टाइम आता है तो माँ बाप को उसकी चिंता हो जाती है, यस सर नो? मैं आपको अपना आरसीएम का मिशन बताती हूँ कि मैं आरसीएम में क्यों आई। सबसे सुंदर मुझे यह लगा कि महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण जो टीसी जी बोलते हैं, जब देखो क्या कर रहे जी, बस वो बेटी की फोटो भिजवाई है, बस लड़के वाले हाँ कर रहे, तो बस शादी तो पक्की है जी, और लड़की की फोटो भी पसंद आ जाती है, शादी तो पक्की होगी। जब दहेज की बारी आती है, नहीं वो थोड़ा सा थोड़ा पैसे में कमी होगी थी, तो इसीलिए वो शादी फिक्स नहीं होती, ये सर लो है ना, पैसा बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये मानते हैं? मानते हैं? आप अपनी बहन से प्यार करते हैं? आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? तो साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को लेकर एक ही प्रॉब्लम है, शादी और पैसा, यस और नो? अरे आज हम यहाँ पर क्यों आए, एक तो एक कारण पैदा करिए। मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, हम पूरा फैमिली इस बिजनेस को करना शुरू किया, इस बिजनेस को जीना शुरू किया, आज तक के पता चला कि कितना बड़ा चिराग हमारे हाथ में लगा है, लोग तो अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजते हैं और उधर से सिर्फ नो ही चल जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर यहाँ मेरे जितने भाई आज बैठे हैं, अगर वाकई में उनके अंदर अपनी बहन के लिए प्यार है, अपनी बेटी के लिए प्यार है, तो आज ये कसम खा के जाना कि मैं अपनी बहन बेटी की तस्वीर किसी के घर में नहीं भेजूंगा, मैं अपनी बहन बेटी को यहाँ पूजा अरोड़ा की तरह टेक्निकल बनाऊंगा ताकि लड़कों की लाइन लग जाएगी घर। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तैयार है?